मित्रों सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष निकेतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। मित्रों नमस्कार, आज सेहत संबंधी चर्चा करेंगे। दिनचर्या स्वास्थ्य वर्धक हो तो स्वस्थ ही रहेंगे, यह सच है। स्वस्थ शरीर कौन नहीं चाहता, किंतु व्यस्त जीवन में उसकी देखभाल के लिए किसी के पास समय नहीं है। आप अपनी दिनचर्या को ध्यान से विश्लेषित करेंगे तो पाएंगे कि 24 घंटे में से 10 मिनट भी इस शरीर के लिए आपके पास नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य की कामना करना व्यर्थ है। स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या भी स्वास्थ्य वर्धक होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सी बातों का पालन करना पड़ेगा। नींद हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। यदि आप रात्रि में गहरी नींद नहीं लेते हैं तो समझ लें आपका दिन बेकार सा ही बीतेगा। रात्रि में जल्दी सोएं और प्रातः जल्दी उठें। सूर्योदय से पूर्व उठते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले कुल्ला करके खाली पेट तांबे के बर्तन में रखा आधा लीटर जल पिए। इसके बाद शौच जाएं। प्रतिदिन नियमित समय पर शौच जाएं। कब्ज रहने पर भी शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती। शौच के उपरांत कम से कम 1 घंटा व्यायाम करें। 2 भोजन दोपहर व रात्रि के मध्य कुछ ना खाएं। पेट में 1 भोजन पड़ा हो और दूसरा फिर डालेंगे तो बीमार पड़ेंगे। 2 भोजनों के मध्य यदि भूख लगे तो सूप सब्जी सलाद का रस मौसमी फल आदि ले सकते हैं। भोजन एक निश्चित समय पर खाने की आदत डालें। भोजन को पचाने के लिए अग्नि चाहिए और पानी अग्नि को बुझाता है, अतः कभी भी भोजन के साथ पानी ना पिएं। निरोग रहना चाहते हैं तो भोजन और पानी को अलग कर देने से भूख की कमी वायु विकार अपच एवं जल्द बुढ़ापा आदि कष्ट दूर होते हैं। अधिक व्यंजन का सेवन करने वाले अधिकतर रोगी होते हैं, अतः भोजन में कम से कम व्यंजन लें। स्वस्थ एवं निरोगी रहने के लिए संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लें। शरीर में 80% क्षार और 20% अम्ल होना चाहिए, इसलिए 4 भाग क्षार प्रधान और 1 भाग अम्ल प्रधान भोजन का सेवन करना चाहिए। भोजन की मात्रा पर ध्यान दें। अधिक भोजन करने वाला किसी न किसी रोग से पीड़ित रहता है। आप अपनी आयु शरीर कद काम करने के ढंग मौसम एवं भोजन के प्रकार के अनुसार उसकी मात्रा निर्धारित करें। भोजन की मात्रा ठीक होने का लक्षण यह है कि उसके सेवन के उपरांत शरीर हल्का एवं फुर्तीला रहेगा और अगले भोजन के समय अच्छी भूख लगेगी। ऋतु के अनुसार भोजन में परिवर्तन अवश्य लाएं। स्वास्थ्य के लिए जितना भोजन का महत्व है उतना ही विश्राम का भी। भोजन के उपरांत आधा घंटे का विश्राम कर सकते। दिन भर के कार्य के बाद रात्रि में आयु व कार्य के अनुसार कम से कम 6 घंटे की नींद दे लेनी चाहिए। रात्रि 11 बजे तक सोने की आदत डालें अथवा रात्रि 10 बजे सोकर प्रातः 4 बजे अवश्य उठें। तनाव और ईर्ष्या से दूर रहें। सात्विक व पौष्टिक आहार लें क्योंकि इससे भी शरीर स्वस्थ रहता है। 13 से 19 साल की अवस्था में हरी सब्जियां अधिक खानी चाहिए। भोजन विटामिन से भरपूर होना चाहिए। अनाज व पत्ते वाली सब्जियां खूब खानी चाहिए। इस आयु में खाया गया कैल्शियम जीवन भर हड्डियों को मजबूत रखता है। 20 से 35 में कुसंगति वश लोग अल्कोहल लेते हैं, इससे बचना चाहिए और भरपूर पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। इस आयु में विटामिन बी और सी अधिक मात्रा में लेना चाहिए। प्रौढ़ावस्था 35 से 49 में पाचन संस्थान कमजोर हो जाता है। हल्का भोजन खाना चाहिए। गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। शरीर में जल का उचित संतुलन एवं वसा युक्त भोजन लेना चाहिए। चिकनाई से बचना चाहिए। वृद्धावस्था अर्थात 50 से ऊपर में साग व पत्ते वाली सब्जियां अधिक खानी चाहिए। चिकनाई व गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। अल्पहारी बनना चाहिए। बहुत से रोग भोजन के कारण ही होते हैं। यदि आप इन सब बातों का पालन करेंगे तो आपकी दिनचर्या स्वास्थ्य वर्धक रहेगी। स्वास्थ्य वर्धक दिनचर्या से स्वास्थ्य को अपना साथी बना पाएंगे। नई चर्चा नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।